नमस्कार किसान साथियों, आज हम दिनेश भाई के पास आए हैं जिनका गांव दौड़ता है खंड नरवाना और जो ये जिला है उज्जैन पड़ता है। तो दिनेश भाई का जो बुल था, ये अभी जो पशु मेला हुआ था भिवानी में, तो वहां पे इन्होंने स्थान प्राप्त किया था, ये कंपटीशन जीत के आए थे। तो सबसे पहले दिनेश जी आपका स्वागत है। आपके सभी आपके दर्शकों का भी हम धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल का भी करते हैं। दिनेश भाई बताओ कि अपने बुल की जो खासियत है, क्योंकि कंपटीशन जीतता है तो कहीं ना कहीं खासियत तो होगी, क्वालिटी तो होगी, तो एक बार इसकी क्वालिटी के बारे में बताओ हमें एक बार। ये पूरा का बुल है अपने जी, ठीक है ना। हमें इससे पहले ट्रेनिंग सेंटर सच्चाखेड़ा के अंदर हमें कोर्स किया। अच्छा, मतलब फार्मर ट्रेनिंग सेंटर से हमें कोर्स किया। अच्छा, कोर्स करने के बाद हमें पता चला कि मुर्रा के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, उसका कैसा होता है जी। इसके अंदर हमें स्टार्टिंग से हम आपको बताना चाहते हैं जी। इस तरह अपने यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल मुर्रा की पहचान होती है कि बुल का, बिल्कुल पशु का मत्था नीचा होना चाहिए, ठीक है। सींग है सुंदर होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा छोटे की जरूरत नहीं, सुंदरता होनी चाहिए, एक सार आना चाहिए, सुंदर होने चाहिए, ठीक है। चमड़ी है बिल्कुल पतली होनी चाहिए, रूंग इसका सीधा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चमड़ी पतली दिख रही है क्योंकि यहाँ पे नसें दिख रही है कहीं ना कहीं, अभी देख सकते हैं बिल्कुल एक एक नस दिख रही है। सबसे पहली बात ये है, नीचे से भी ज्यादा ऊंचाई ना हो, ठीक है। हाँ, नीचे से ऊंचाई भी पूरी हो, ऊपर से भी इसकी हाइट इसकी 5.5 फुट के ऊपर है, नीचे से 5.5 फीट के नाम 5.25 फीट है, नीचे 5.25 फीट। हाँ, पैरों की हाइट ज्यादा हाइट है, वो बिल्कुल नीचे से देखेंगे तो हम यहाँ 5.25 फुट के बीच में आ जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाई नीचे कोटियों का पशु होना बिल्कुल आगे से नीचा होना चाहिए, पीछे से ऊंचा हो, ऊंचा हो। तो इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 5.5 फीट के करीब है, 5.5 फीट के आसपास। ये अभी तक 6 दांत हुआ है, ठीक है। मतलब कितनी उम्र हो चुकी है इसकी? इसकी हुई है 4.25 साल। 4.25 साल हुए अभी, 4.25 साल में। हाँ, अब ये छठा दांत तोड़ गया है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और ये पीछे से आगे टेस्टिकल है इसके, बिल्कुल एक सार होना चाहिए यू आकार के अंदर, बिल्कुल। हाँ, आपको दिखाएंगे, पूंछ है बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी चार इसकी तो बिल्कुल जेड ब्लैक है, आधी इंच है, बाकी 4 इंच तक कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल पतली होनी चाहिए, प्रैक्टिकल है पूरे आकार के अंदर। हाँ बिल्कुल, मतलब 1-1 फुट के आसपास के, बिल्कुल एक सार होना चाहिए, एक सार होना चाहिए, एक सार होना चाहिए। अब देखो प्रैक्टिकल साइज बिल्कुल, हाँ ओके सर। तो ये होती है इसकी मुर्रा की पहचान, ये मुर्रा की पहचान है, पहचान। अच्छा ये बताओ जैसे कि अब शुरुआत जहाँ से हुई थी, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर में गए थे, वहाँ से मुर्रा की पहचान समझ में आई थी पहली बात? हाँ, सबसे पहले मुर्रा की पहचान के बारे में उन्होंने बताया, हमारी जानकारी देती, धन्यवाद करते हैं सरकार का जिन्होंने ऐसे ऐसे परीक्षण सेंटर खोली गई है जी, ठीक है। बाद फिर अपने घर में पहचान पहचान का पता चला तो हमें पहचान वाले पशु रखने शुरू कर दी, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी पहचान तो हो गई, लेकिन ये शौक है और सबसे पहली बात। हाँ, शौक तो ये मेरे दादाजी का भी था और मेरे पिताजी का भी था, हमें तो है ही, मतलब शौक से शुरुआत होती है। शौक से सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूँ कि शौक सबसे बड़ी चीज होती है, और आप देख पा रहे हो पशु पालना और अपने घर में अच्छे पशु तैयार करना, ये अगर आदमी के अंदर जज्बा नहीं होगा ना, तब तक तैयार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा बात है कि इसकी देख रेख करने के लिए थोड़ा बताओ एक बार कि कैसे इसकी देख रेख करते हैं, मतलब अंदर का माहौल कैसा है, कैसे इसका पूरा दिनचर्या है, थोड़ा उसके बारे में बताओ एक बार। इसके बारे में बताएंगे, इस तरह सुबह सुबह अपने उठते ही इसको तालाब में छोड़ दिया था, मतलब ये दिनेश भाई ने इनके लिए यहाँ पे तालाब बना रखा है, एक छोटा तालाब बना रखा है जहाँ पे देखो देखो आप आगे, हाँ देखो एक रखा है बिल्कुल, ताकि पशु जो है वो गर्मी से बचे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साफ पानी पिए मक्खी से और पशु। ये तालाब जमीन से 1 फीट ऊंचा है, ठीक है। इसका गेट वाल लगाया हुआ, गेट वाल खोल देते हैं और साफ पानी इसको पशुओं को नहलाने के बाद समर्सिबल चला देते हैं और इसको फिर भर देते हैं, बिल्कुल। मतलब पानी जो है वो स्वच्छ पानी रखते हैं, स्वच्छ पानी रखते हो। हाँ, जिस तरह पशुओं की है ये फुलिया आ गई, इसके अंदर टुकड़ियां लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, देख पा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, ये तो बाहर की है, आप साफ सफाई का ध्यान रखें, टुकड़ियां लगी हुई है ताकि भाई गंदगी और सफाई रहे, सफाई रहे, सफाई रहे। अब आपको अंदर दिखाते हैं पशुओं का, जी हाँ। आइए यहाँ पे आप पशुओं को बांधो, यहाँ पे ये लगाओ हवा का और जो हवा के आने जाने का प्रबंध कैसे किया और कैसे पशुओं के लिए, मतलब बताने का वो, मतलब उसके बारे में बताओ जानकारी दो। इसके बारे में पहले तो पिछुआ पिछुआ और आगे क्रॉसिंग के लिए आप मकान खोलवाए, ठीक है, ठीक है ना। डबल मकान है, 24 फुट की चौड़ाई में, ठीक है। पशु इसमें खुला है, फिर के चारों तरफ खिड़कियां लगवाई, बिल्कुल यहाँ पे भी खिड़कियां, यहाँ तो पूरा खुला है, पूरा खुला है,
लेकिन हवा का जो तो इसके अंदर है टुकड़ियां लगवाई है, बिल्कुल सफाई रही, बिल्कुल ये बाकी नहीं देख रहे हैं, टुकड़ियां लगाई हुई है ताकि खोर जो है जो पशु की सफाई है वहाँ पे सफाई रहे, गंदगी ना हो, इस तरह टाइगर स्वस्थ रहेगा। आगे खिड़कियाँ खोलनी हो जाती है, ठीक है, मतलब खिड़कियाँ पशु सींग ना मारे, ठीक है, ताकि इसको फोल्डिंग करके निकल कर दिया जाता है, पशु को चोट ना लगे और हवा का जो आदान प्रदान है वो भी आराम से होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा इस फूल की अपने ये अपने छोटी बहन है इसकी, अच्छा हाँ, अब इसका पहली बार सुनेगी ये जी, ठीक है ना, कितने इसके अंदर भी वही कमाल दिया, कितने महीने की होती है, कितने महीने की हो चुकी है, अभी ढाई साल की होगी, ढाई साल की हो चुकी है, हाँ ठीक है ना जी। अब इसकी यह देखिए बिल्कुल इस नस्ल की, नस्ल बहुत जरूरी है जी पशु रखने के लिए, नस्ल की पहचान होनी जरूरी है, इसका मसला बिल्कुल नीचा है चमड़ी, ये बात जितनी मैं समझ पाया हूँ कि जो भैंस है अगर इसका खुला माथा आ जाएगा तो लीली रानी की मिक्स आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ये बात आपने सही बताई है, ठीक है ना, पूंछ ज्यादा सफेद होगी तो वो भी लीली रानी की मिक्स आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना, तो ये पहचान करनी अपने बहुत जरूरी है पशु की, सबसे पहले तो हम कौन सी क्वालिटी का पशु पाल रहे हैं या कोई मिक्स ब्रांड है, ठीक है, उसके बाद आते दूध के ऊपर बात, हाँ बिल्कुल, हाँ दूध के बारे में इसकी माँ का बिल्कुल मेरे नाम से रिकॉर्ड है जी, जो बुल की माँ भी आएगी और इसकी भी आएगी, हाँ उसका 18 केजी का पहले ब्याह का, पहले दो हजार चौदह के अंदर हमारे गांव में पशु प्रदर्शन लगी थी, उसका मेरे नाम ही रिकॉर्ड है, ठीक है, ये नहीं है किसी और के नाम है, इसकी माँ का सेल करती गई थी दिल्ली के अंदर, गई दिल्ली के अंदर 26 किलो 700 ग्राम दूध निकाल जाता उसने, बच्चे की तरह पालना पड़ता है, इसकी नस्ल की आगे आगे की पूछे गए, इसके आगे कैसे है, हमारे गांव है दड़ौता खुर्द के अंदर चंदूपत्ती है, चंदूपत्ती के अंदर देसा सरपंच का पोता है जी, ठीक है ना, राजेश के इसके कट्टा तैयार हुआ है सिर्फ 5 महीने का जी, उसकी लेंथ लंबाई देखो तो इसका कम से कम 2.5-3 क्विंटल वेट है, जिस टाइम वो ब्याह पे आई थी पशु तो सभी ने सोचा था भाई ये फूल तैयार करना है, आज उसको तैयारी करने लग रही, कितनी नस्ल चेंज हुई है ये भी बताएंगे वो आप, बिल्कुल, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पशु अगर तैयार करना है उसके पहले पशु के अंदर क्वालिटी होती है, बात आती है खान पान में, बोलते हैं भाई आप क्या खिलाते हो, हाँ वो बताइए, क्योंकि हमने तो देखा है कि लोग खराब भी खिलाते हैं, बात बादाम का जूस पता नहीं क्या खिलाते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई घी खिलाने की जरूरत नहीं है, हाँ। सिर्फ होता है दलिया होता है गुड़ होता है और अपने बिंदौले का तेल जी, और घास फूस होता है, घास फूस खाने वाले तो घास फूस में ही तैयार होंगे, बिल्कुल घास खिलाने वाली चीज नहीं है ये बिल्कुल गलत है लोगों की जो राय है, मैं दारू पिलाजों की नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये तो ये चीज तो इनमें लेने की होती है, घी घी वगैरह की तो पशु अच्छी नस्ल होगी आगे इसकी कटड़ियाँ आएंगी ऐसा घी दूध देंगी तो इनको लेनी है, देने का दिन घास फूस खिलाना है, बिनोला दो, बिनोले का तेल दो और दलिया का अपना जो भी गुड़ वगैरह है जो रूटीन की चीजें पशु को देते रहो, अगर इनमें पशु निराजी है तो पशु में क्वालिटी की कमी है, ठीक है, मतलब मेन चीज ये हमारा बढ़िया है जो हम अपने दिल की संतुष्टि नहीं होगी पशु को फीड नहीं खिलाएंगे, अपने घर की चक्की है अपना उसको पूरा लेके आएंगे, चना ले आएंगे, सोयाबीन भी ले आएंगे, बिनोला भी ले आएंगे, कनक अपने गेहूं घर की है ले लेंगे, बस समय के अनुसार गर्मी का मौसम थोड़ा जो भी ले लेंगे,
ठीक है, हम भी गर्मी सर्दी के अंदर जो बंद कर देंगे बाजरा ले लेंगे। बिल्कुल सही बात, वो तो फीड अपना तैयार करना है, वहाँ करवा लो, आप कर लो, अगर मेहनत करनी है तो आप ही करना पड़ेगा। मतलब खुद की विश्वास होना जरूरी है, बिल्कुल खुद का विश्वास होना हर बात पे जरूरी है, ठीक है ना बात। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी भाई अपने खुद पे हिम्मत करें और कोई दिक्कत नहीं, आपको और भी भाई कोई पूछना चाहेगा आगे तो बताएंगे। बिल्कुल देसी मिजाज में बताएंगे, जो आप घरेलू है, हमें कोई किसी की कमाई की जरूरत का सिस्टम नहीं है भाई, आप वो करते हैं, आज तक किसी पे एक पैसा नहीं दिया अभी तक, ठीक है जी। बिल्कुल पुल की पूरी तैयारी नहीं होगी, बिल्कुल हर चीज में पास नहीं, मतलब इसके टेस्टिंग भेज रखी है, पास लगता भी किसी मन नहीं करूँगा, तो मेरे को साफ लग जाए। सही बात, मेरे गांव वासियों के साथ या प्रदेश वासियों के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा, इसके जो बच्चा है उसको भी हम आपको दिखाएंगे, लोगों को तसल्ली भी होगी, तसल्ली होगा, आगे भी आगे की नस्ल होगी, तभी जाके ये नहीं है मैंने आज एडवर्टाइजमेंट कर दी कि मैं बुल तैयार कर दिया सीमन भेज दी, ये नहीं, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके दिखाएंगे, तभी जनता को विश्वास होगा और तभी भाई मेरा राम राम भी करेंगे और अच्छी क्वालिटी देंगे। नहीं, मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक साधारण किसान परिवार के पास एक साधारण किसान है जिसने अपने घर में अच्छी और उत्तम क्वालिटी के पशु तैयार किए, ये एक हौसले की बात होती है। और कहने की सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने कई बार जाके देखा है कई जगह पे कि लोग पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, घी खिलाने लग रहे हैं, तेल खिलाने लग रहे हैं दवा के, उसके बाद दारू खिलाने लग रहे हैं, काजू बादाम पता नहीं क्या खिला रहे हैं, बिल्कुल साधारण खाना खिला करके बस पशु की जो देख रेख है उस पर ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो देख रेख पे, आप देख रहे होंगे हवादार जगह है, जो खाने की जगह है खोर है इनकी, उस पर टुकड़िया लगाई हुई है ताकि गंदगी ना फैले, बिल्कुल हवादार जगह है। और दूसरी बात, नहलाने का बिल्कुल स्विमिंग पूल बनाया हुआ है पशुओं के लिए खासकर, ये सारी बातें हैं, मतलब आदमी जोश के साथ और जुनून के साथ ही कर सकता है। और दिनेश भाई, हम तो आपको शुरुआत से बताइए कि भाई कहाँ से आपने जानकारी प्राप्त की, वहाँ से आपने ट्रेनिंग प्राप्त, कोई सर्टिफिकेट है उसका? हाँ बिल्कुल भाई जी, कृषि प्रशिक्षण केंद्र सत्ताखेड़ा, ये है अपना सर, ये सत्ताखेड़ा का सर्टिफिकेट है कि सबसे पहले कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे आपके दिमाग में आया था कि भाई कैसे मुर्रा की सबसे पहले पहचान हो, बिल्कुल तभी हमें हमारा एक किसान जागरूक किसान हो सके और बढ़िया से पशु तैयार करें। जी बिल्कुल, उसके बाद हमें अपने पुल तैयार किए, जो सम्मान मिला, सम्मान पहले सर्टिफिकेट होगा, ये देखिए, मतलब ये चौटाला हमारे गांव में आए, जेल मंत्री थे हैं अभी, तो उन्होंने हमारे गांव में आए, उन्होंने सम्मानित किया हमारे गांव में 52 गांवों के चबूतरे के ऊपर। बिल्कुल, मतलब ये भी किसान को तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि किसान को ना सबसे पहले एक ही चीज बचती है लास्ट में, अंत में वो है सम्मान, में सम्मान ही सम्मान, और किसान जो मेहनत करता है सम्मान के लिए। ये आ गया अपना भाई, जो वहाँ पर भिवानी के अंदर प्रतियोगिता थी उसका ये सर्टिफिकेट आएगा जी, ये उन्होंने हमें वहाँ सर्टिफिकेट दिया और गांव में प्रोग्राम वाला समरण जी ने अपने सम्मानित किया है हमारे गांव। बिल्कुल, ये बहुत धन्यवाद करते हैं ताऊ जी के लड़के का जो हमारे गांव में आए और उन्होंने भी सम्मानित किया। नहीं, ये एक सम्मान की बात है सबसे अच्छी बात, क्योंकि भाई अगर एक किसान मेहनत कर रहा है और दूसरे लोगों को जागरूक भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो बाकी हमारे किसान साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, थोड़ा वो बताइए। नहीं, हम तो यही कहते हैं सभी भाई मेहनत करें और अच्छे पशुधन पालें और इसमें जरूर बचत आएगी, अच्छी नस्ल के अंदर बचत आएगी। अब ये नहीं है पहले की तरह दूध का नहीं है, दूध में नहीं अब बचना कुछ भी, अब देख यही है कि बाबा बढ़िया अच्छी नस्ल पहचान करें उसकी और उसको पालें, तभी जाके कुछ न कुछ अपना इनकम का बिल्कुल दूध का अच्छा उत्पादन मिलेगा। आप अच्छे बिल्कुल तैयार किया है तो आपने तो उसका अच्छा दाम भी मिलेगा, उसका डबल बेनिफिट होगा, दूध का भी होगा और नस्ल के हिसाब से अपना उसका बेचेंगे तो उसमें जब भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी। तो अच्छा एक बात, कोई भी दर्शक अगर आपसे मिलना चाहे, जानकारी प्राप्त करना चाहे मैं कैसे पशु पालूं, मैं कैसे आप उसको गाइडेंस दे पाओ, उसको थोड़ा जानकारी दे पाओ, उसके बारे में अपना फोन नंबर बताइएगा और अपनी जगह अपना एड्रेस बताइएगा। ये अपना गाँव दनौदा है, दनौदा खुर्द जिला जींद और NH-65 अपना रोड आ गया, ये चंडीगढ़ से सिरसा जी, इसका ऑन रोड के ऊपर है अनमोल डेयरी फार्मिंग जी। वो भाई आए तो आता जाता बिल्कुल भाई का सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे और उसको जानकारी भी देंगे। फोन नंबर बताओ अपना ताकि आपसे जानकारी ले सके, आप तक संपर्क कर सके। फोन नंबर आते जाते आ जाएंगे, बैठ के बढ़िया जानकारी होगी, फोन पे इतना नहीं होता, आपको दिखाएंगे उसको विश्वास होगा, फोन पे देख सुन के आदमी अपनी बातें बंद कर देता है। ठीक बात है, ठीक है ना बात है, वहीं से काम चल गया मेरा, वहीं से काम चल जाता, वो फिर कुछ मेहनत करने वाला तो आदमी कदम उठा के आएगा, कदम उठा के आएगा तो भाई बिल्कुल अच्छी लगी है।
कि भाई अगर जिसको जानकारी चाहिए जानकारी तो इनके पास आओ, विजिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आना जाना चंडीगढ़ सिरसा वाले हाईवे पर, अगर आपको आना जाना हो तो यहाँ पे जरूर विजिट करना और भाई से जानकारी प्राप्त करके जाना और इनके पशुओं को देखना। इनके पशुओं को देखिए कहीं ना कहीं हमें भी खुशी हो रही है। तो ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे साधारण परिवार से जो किसान है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उनकी जानकारी जो उनके पास है उसको हम अन्य साथियों तक भी पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।